नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं फैजा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 328 FDC दवाओं की बिक्री और वितरण पर बुधवार तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इन दवाओं में सर्दी, खांसी और डायबिटीज में इस्तेमाल की जाने वाली कई दवाएं शामिल हैं, जिन्हें सेहत के लिए नुकसानदेह माना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। बोर्ड ने FDC दवाओं पर सौंपी गई रिपोर्ट में कहा था कि इन 328 FDC में मिली सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है, इससे मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। बोर्ड ने सिफारिश की थी कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत व्यापक जनहित में इन FDC के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इसके अलावा 6 अन्य FDC दवाओं के बारे में बोर्ड ने अनुशंसा की थी कि इनके चिकित्सकीय औचित्य के आधार पर कुछ शर्तों के साथ इनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस बीच दवा विक्रेताओं ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं की सूची में कई खांसी की मशहूर दवाएं हैं, जिनकी सूची उन्हें मिल गई है। फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होने की वजह से कंपनियों को बाजार में मौजूद दवाओं को वापस लेना होगा। गौरतलब है कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC दो या इससे अधिक दवाओं का मिश्रित मेल होता है। केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में भी 349 FDC दवाओं की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ दवा कंपनियां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने मामले की समीक्षा की और केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। दोस्तों, खबर स्टेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।